सेवेंथ क्लास में हम सबसे पहले ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। कृपया मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे सेंटेंस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हुए हैं और ध्यान से आप लोग समझिएगा। एवेन अरेन ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कम्प्लीट सेंस, शब्दों को अच्छे तरह से व्यवस्थित किया हुआ समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसे ही सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लता इज ए गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। देखिए सेंटेंस बहुत तरह के बन सकते हैं लेकिन जो पूर्ण अर्थ देता हो वही सबसे करेक्ट सेंटेंस होता है। लता लड़की है तो किस तरह की लड़की है, तो अच्छी लड़की है, ये शो करता है कि अच्छी लड़की है। ए सेंटेंस है टू पार्ट, सेंटेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक सब्जेक्ट और नेक्स्ट प्रीडिकेट। सब्जेक्ट व्हाट इज द सब्जेक्ट और एंड व्हाट इज द प्रीडिकेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज डूअर वर्क, यानी जो वर्क को करता है, जो काम करता है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। प्रीडिकेट, प्रीडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट। इस जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इस लाइन में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे प्रीडिकेट हैं। जैसे प्रीडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट, इसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हैं ये सारे के सारे प्रीडिकेट कहलाते हैं। थैंक्स।